हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी एजुकेशन में। और आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। मेंढक का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल को, ठीक है दोस्तों। एलिमेंट्री कैनाल कोयल्ड होता है, शुरू होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनस पर, ठीक है। एलिमेंट्री के अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं, माउथ पढ़ेंगे, बक्कोफेरेंजियल कैविटी पढ़ेंगे, ओसोफेगस पढ़ेंगे, स्टमक पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे और क्लोका को हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ। जो माउथ होता है वो चौड़ा होता है और ये ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े से घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। माउथ ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े से घिरा हुआ है। दूसरा पॉइंट है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। जो माउथ है वो बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहा जाता है और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ। जो टीथ है वो केवल ऊपरी जबड़े में प्रेजेंट होता है, वो निचली जबड़े में अब्सेंट होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, लोअर जॉ विदाउट टीथ, यानी कि जो निचला जबड़ा होता है वो दांत के बिना होता है, ठीक है दोस्तों। जो टीथ होता है वो केवल ऊपरी जबड़े में प्रेजेंट होता है। टीथ दो प्रकार के होते हैं, पहला है मैक्सिलरी टीथ और दूसरा है बोमेरिन टीथ, ठीक है दोस्तों। सारे के सारे दांत एक जैसे होते हैं जिसे होमोडंट कहा जाता है। ये सैकेट्स में इम्बीडेड नहीं है, इस प्रकार उन्हें एक्रोडंट कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है इंटरनल नरिस। जो इंटरनल नरिस है ये बोमेरिन दांतों के पास प्रेजेंट करने वाले जोड़े हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे इनबुल्गिंग ऑफ आई वाल्स। जो इनबुल्गिंग ऑफ आई वाल्स हैं ये बड़े होते हैं और अंडाकार शेप के होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला हम पढ़ेंगे ओपनिंग ऑफ वोकल सैक। हमने जब इसकी मॉर्फोलॉजी की थी तब भी हमने पढ़ा था कि जो वोकल सैक हैं वो मेल फ्रॉग में होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो वोकल सैक हैं वो मेल फ्रॉग में होते हैं, इनकी आवाज़ में होते हैं मेल फ्रॉग के, ठीक है दोस्तों। अगला हम पढ़ेंगे टंग। जो टंग होते हैं वो बक्कल कैविटी के फ्लोर पर स्थित होते हैं, ठीक है, या एंटीरियर इंड में जुड़े होते हैं और पोस्टीरियर इंड में आज़ाद हो जाते हैं। आज़ाद मीन्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ग्लोटिस। जो ग्लोटिस होते हैं ये जीभ के पीछे रहते हैं और फेफड़ों में जाते हैं, ठीक है, फेफड़ों में ये जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैलेट। जो गैलेट है ये चौड़ा छिद्र है जो ओसोफेगस में खुल जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारा तीसरा पॉइंट है ओसोफेगस। जो ओसोफेगस है ये छोटा होता है, चौड़ा होता है और स्टमक में जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे स्टमक। जो स्टमक है वो बोर्ड चैम्बर होता है और ये थोड़ा सा घुमावदार होता है
और ज़्यादा डिस्टेंसिबल होता है। डिस्टेंसिबल मीन्स अस्त व्यस्त होता है। स्टमक दो रीजन बनाता है, पहला है एंटेरियर लार्ज कार्डियक और दूसरा है पोस्टेरियर स्मॉल पाइलोरिक। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बड़ा होता है, नैरो होता है और हम इसको डिफरेंस सेट करेंगे दो रीजन में, पहला है ड्यूडेनम और दूसरा है इलूम। जो ड्यूडेनम है वो स्टमक के समांतर चलता है। ठीक है, ड्यूडेनम स्टमक के समांतर चलता है और ये यू शेप का स्ट्रक्चर बनाता है और रिसीव करता है हेप्टो पेनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दूसरा रीजन पढ़ेंगे, क्या है वो, इलूम है। जो इलूम है वो कोयल्ड होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल का बड़ा पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम रेक्टम भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, छोटा होता है, चौड़ा होता है और क्लोका में खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लोका। जो क्लोका है यह एक सामान्य मार्ग है यूरिनोजेनिटल सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल के लिए और ये खुल जाता है क्लोकल अपर्चर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, पहला है लीवर और दूसरा है पैनक्रियास। जो लीवर होता है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर मींस लाल भूरे रंग का होता है, दो लोब के साथ, एक है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और दूसरा है राइट लोब ऑफ लीवर। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का दूसरा बड़ा पार्ट होता है और ये हल्के पीले रंग का होता है। ये फ्लैटेड होता है और इरेगुलर होता है। जो पैनक्रियाज है वो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।